दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को गांव में छोड़कर फरार हो गया था और पुणे में जाकर काम करता था। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान साइबर सेल की मदद से जानकारी मिली कि युवक पुणे में रहकर फरारी काट रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई थी। पुणे पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर रीवा लाया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए युवक के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपी को भागने में जिनके द्वारा मदद की गई होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां से दुष्कर्म का आरोपी शिव बाहौर साकेत फरार हो गया था। विभिन्न थानों में हमने समीक्षा के दौरान ये देखा कि कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें किन्हीं कारणों से अपराधी लंबे समय से फरार हो गया था। उन प्रकरणों की समीक्षा हमारे पूरी टीम ने की है। उस दौरान एक आरोपी पूना से हम लोगों ने पकड़ा है। ये गत वर्ष का प्रकरण था 376 का, जिसमें काफ़ी प्रयासों के बाद भी आरोपी नहीं पकड़ में आ रहा था। तो मनगवा पुलिस की टीम ने इस बार लगातार साइबर सेल की मदद ली और उसको वो लोग पकड़ के लाए हैं। हाँ जी, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, घटना के तुरंत बाद आरोपी ने सबसे संपर्क विच्छेद कर रखा था। लगातार कोई संपर्क उससे स्थापित नहीं हो पा रहा था, ना परिवार का ना अन्य किसी मित्र का। और पूना में अभी उसको हम लोग लाए हैं। अभी उनका रिमांड लेके पूछताछ भी की जाएगी कि वो घटनाक्रम के पश्चात किन लोगों ने उसको सहयोग किया। किसी ने अगर उसको और सहयोग किया होगा, रुकने में आर्थिक मदद की होगी, तो हम लोग उसके अनुसार उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया